अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज आप लोगों के साथ फाइनली मैं सीरम की जो रेमेडी है वो शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं अपनी क्रीम्स के अंदर यूज़ करती हूँ, वाइटनिंग क्रीम फॉर्मूलेशन जो मैं सेल करती हूँ उसके अंदर जो मैं सीरम यूज़ करती हूँ उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहले आपने ले लेना है बायोकॉस का वाइटनिंग सीरम, यही वाला यूज़ करना है। जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको वही दिखाऊंगी। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, ये मैं सीरम इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारा। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे फेस फ्रेश का सीरम, ये हाफ डालूंगी मैं इसमें। 1 kg क्रीम में जितना सीरम जाएगा ना मैं वो आपको बता रही हूँ क्वांटिटी। ये चला गया इसके अंदर। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे डर्मासेंस के वाइटनिंग कैप्सूल्स, 2 मैं ये डालूंगी, 2 मैं मिन्हा वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करूँगी इसके अंदर। इसको हम कट कर लेंगे। जो दूसरे वाइटनिंग कैप्सूल्स होते हैं वो नहीं लेने हैं आपने, जो लोकल होते हैं। उसके बाद मेरे पास हैं यहाँ पर 3 अदद मिन्हा के वाइटनिंग कैप्सूल्स, लेकिन मैं 2 ही ऐड करूँगी। ये चले गए इसके अंदर 2 वाइटनिंग कैप्सूल्स मिन्हा के, 2 डर्मासेंस के, 1 बायोकॉस का सीरम, 1 फेस फ्रेश का सीरम, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड करूंगी, कॉजिक एसिड। बिल्कुल आपने कम क्वांटिटी में ऐड करना है इसके अंदर कॉजिक एसिड, सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी इसके अंदर जाएगी। दूसरे नंबर पे मैं इसमें ऐड करूंगी अल्फा अर्ब्यूटिन। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है जो कि मैं सीरम के अंदर ऐड करती हूँ को पावरफुल बनाने के लिए। सिर्फ इतना सा सीरम जाएगा, सॉरी पाउडर जाएगा इसके अंदर, ओके। अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और इसको मैं डिज़ोल्व होने के लिए रख दूँगी तकरीबन पूरी नाइट, ताकि अच्छे से जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और सुबह उठ के जब मैं क्रीम, क्योंकि मैं डेली सुबह मॉर्निंग में क्रीम बनाती हूँ फ्रेश, तो मैं नाइट में जो है वो सीरम्स वगैरह प्रिपेयर करके रख देती हूँ ताकि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं। तो ये होता है वो वाइटनिंग सीरम जो कि मैं अपनी क्रीम्स के अंदर यूज़ करती हूँ। टोटली सेफ है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जाके सर्च कर सकते हैं हर एक चीज़ को कि किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होता है। तो इसको मैं अब ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी। जब मैं इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँ तो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है और अच्छे से डिसॉल्व भी हो जाता है क्रीम में। तो आई होप आप लोगों को रेमेडी अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।